यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिमिट का क्वेश्चन है, समेशन सीरीज का क्वेश्चन है। इनफैक्ट कोई भी पेपर मैंने जो आपके साथ डिस्कस किया, सब कुछ आपको पढ़ाया हुआ है, कहीं कोई ऐसा नहीं है जो चीज पढ़ाई ना गई हो। अब देखिए, अगर आपको पता होगा आर इक्वल टू वन टू एन वन अपॉन एन एफ आर बा एन की फॉर्म हो तो डायरेक्टली जीरो टू वन एफ एक्स डी एक्स में कन्वर्ट होता है। अगर n तक है, 2n तक है तो 0 टू 2, 3n तक है तो 0 टू 3। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या है, n टेंड्स टू इनफिनिटी, न्यूमरेटर में सभी में n है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं n अपॉन n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, बट लास्ट टर्म n अपॉन 5n है। अब यहां समझना है कि 5n कब आया होगा, तो n अपॉन n स्क्वायर तो हो गई राइट, प्लस यहां पर 4 होना चाहिए, ये 1 अपॉन 5n है, सॉरी मैंने n लिख दिया 1 अपॉन 5n। यहां पर 2n का अगर स्क्वायर होता तो देखिए क्या आता, n अपॉन 4n 5n स्क्वायर, ये कैंसिल होके 1 अपॉन 5n आता। यानी हम जो लिमिट लिखें r की 1 2, हम जो लिमिट लिखें वो 1 2 कहां तक लिखें, 2n तक लिखें, बस यही इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट थी। तो अब देखिए क्या आ गया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 टू 2n, n स्क्वायर बाहर निकाल लीजिए राइट, n स्क्वायर बाहर निकालिए तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन n, यहां आ जाएगा 1 अपॉन, सॉल्व करिए तो क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस r बाय n का होल स्क्वायर राइट। अब ये जब आपने n स्क्वायर बाहर निकाला, एक n कैंसिल, एक n बच गया, तो देखिए 1 अपॉन n f r बाय n के टर्म हो गए। यानी अब आप इसको डायरेक्टली 0 टू 2 लिखिएगा क्योंकि 2n तक गया है, dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, दिस इज tan इनवर्स x, 0 टू 2, 2 रखा तो tan इनवर्स 2, 0 रखा तो 0, करेक्ट आंसर इज tan इनवर्स 2 राइट। समेशन सीरीज का क्वेश्चन है, बस सबसे इंपॉर्टेंट था लास्ट टर्म डिसाइड करना, 1 अपॉन 5n दिया था, आपने देखा होगा इसमें हमेशा n सॉल्व करते हैं, तो n अपॉन n स्क्वायर तो ऑलरेडी था, 5 जब आएगा जब 4n स्क्वायर जुड़ेगा यानी 2n, और 2n आने से लिमिट 1 टू 2n गई, यहां पर n स्क्वायर बाहर लिया, ये आ गया और ये सीधा x में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है समझिएगा, अ लाइन पासेस थ्रू -3, 4। अब पासेस थ्रू बोला है एंड द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्ट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज बाइसेक्ट, मतलब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या कर रहा है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है। अगर ध्यान दे तो -3, 4 यानी फोर्थ कोऑर्डिनेट होगा, पर आपको तो रफ डायग्राम से मतलब ये -3, 4, तो ऑब्वियसली यहां का कोऑर्डिनेट क्या होगा -6, 0, यहां का क्या होगा 0, 8 राइट। पोर्शन कोऑर्डिनेट एक्सिस बाइसेक्ट एट द पॉइंट देन इक्वेशन ऑफ द लाइन। एक बात तो ये भी थी कि इस ऑप्शन को भी पुट करके देख सकते थे, जैसे यहां रखा तो -12 -12 +24, यानी ये ऑप्शन होगा, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसमें रखिए -9, ये भी कर रहा है, इसमें रखिए -9 -16 राइट, ये भी कर रहा है, यानी ऑप्शन से इसमें ज्यादा हेल्प नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं, जरूरत भी नहीं ऑप्शन की, आप तो इसको मेथड से कर सकते हैं। इंटरसेप्ट पता तो x अपॉन -6 प्लस y अपॉन 8 इक्वल टू 1, एलसीएम आ गया तो 24, तो -3x प्लस 4y इक्वल टू 24 या 3x माइनस 4y माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, तो ये हो जाएगा +24 = 0, 3x माइनस 4y + 24 = 0, दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, यानी ऑप्शन को सेटिस्फाई करवाने की जरूरत नहीं थी, आप चाहते तो मेथड से भी उतनी स्पीड में कर सकते थे। क्वेश्चन ये था कि इस पॉइंट से लाइन पास हो रही है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रही है और बाइसेक्ट भी कर रहा है पॉइंट, तो इसका मतलब अगर ये -3, 4 है तो इसको x 0 मान लो, इसको 0y मान लो, पर क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो हमें पता है एक कोऑर्डिनेट 0 होगा तो इसका डबल लेना है, एक कोऑर्डिनेट 0 होगा इसका डबल ले लीजिए, सिंगल स्टेप पे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए क्या है, अ लाइन पासेस थ्रू -3, 4 एंड द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्ट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज बाइसेक्ट एट द पॉइंट देन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज। देखिए पासिंग थ्रू बोला है, ऑब्वियसली ऑप्शन में पुट कर सकते हैं, पर आपको पता है ऑप्शन पुट करोगे तो 2 से ज्यादा भी मिल सकते हैं ऑप्शन, तो हम अभी ऑप्शन पुट ना करके मेथड से अगर समझें तो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लाइन पासिंग थ्रू -3, 4 है और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब -3, 4, तो इसका मतलब ये हुआ, ये वैसे थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा डायग्राम, पर आप तो रफ डायग्राम बना रहे हैं, तो यहां पर कितना आ जाएगा -6, 0, ये क्योंकि इसका डबल हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 0, 8, इसका मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन होगी x अपॉन -3, x अपॉन -6
प्लस वाई अपॉन एट इक्वल टू वन, राइट। एलसीएम लेंगे तो 24 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस फोर एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू 24, या ऐसा भी बोल सकते हैं आप 4x माइनस 3y प्लस 24 इक्वल टू 0, मीन्स ए इज अ राइट आंसर, 4x माइनस 3y प्लस 24 इक्वल टू 0। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, लाइन पासिंग थ्रू माइनस 3, 4, एक्चुअल में थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और फिर बोला है एंड द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्ट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सेस, ये कोऑर्डिनेट एक्सेस इज बाइसेक्ट एट द पॉइंट, तो बाइसेक्ट कर रहा है यानी मिडिल पॉइंट हो गया, तो आपने इससे इंटरसेप्ट फॉर्म के कोऑर्डिनेट एक्सेस के पॉइंट निकाल लिए इजीली और इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म लगा दिया, नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, देयर आर 60 स्टूडेंट इन अ क्लास आउट ऑफ विच 60 स्टूडेंट क्लास में आउट ऑफ विच 40 ऑप्ट फॉर एनसीसी, 30 ऑप्ट फॉर एनएसएस एंड 20 बोथ। इसका मतलब 70 माइनस 20 यानी 50 ऐसे लोग हैं जो कि कोई ना कोई एनसीसी या एनएसएस ऑप्ट किया हुआ है फॉर बोथ, देन प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट हैज ऑप्ट नन ऑफ द एनसीसी एंड एनएस, तो 50 कोई ना कोई कर रहे हैं तो 10 नई वाले भी होंगे, तो 10/60 यानी 1/6 इज अ राइट आंसर। बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करिए, क्वेश्चन को जितने सिंपल तरीके से कर सकते हैं करिए, ये सब बाद में बनाइए, जैसे एनसीसी हो गया, एनएसएस हो गया, कॉमन वाले ले लीजिए 20, तो ये देखिए कितने हो गए 20, ये होगा 10, सबको ऐड किया 50, 50 वो हैं जो कोई ना कोई लिए हुए एनसीसी या एनएसएस, अब रिमेनिंग 10 है उनका पूछा है तो 10/60, राइट, नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, हर सेट में यही डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, इफ वाई एक्स सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx स्टेप कम लिखिएगा प्लस 2y/x इक्वल टू x, ऐसा ही लिख लीजिए डायरेक्ट, इसको डिवाइड करिए तो x, ये इसको ट्रांसफर कर दिया, हर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन आई हुई है, व्हेन y1 इक्वल टू -2 yx विल पासेस थ्रू द पॉइंट, तो इसमें c का वैल्यू निकालना है। अब देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको देख के समझ में आ रहा है e^2/x dx यानी x2, क्योंकि 2 log x होगा ये, तो e^2 log x, तो ये मिलेगा x2, ये सब टाइम सेव करना है, सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख सकते हैं y(integrating factor) इक्वल टू q(integrating factor) x³ का क्या हुआ x4/4 प्लस ऑफ c, ये आ गया। अब c का वैल्यू निकालिए, x1 पर y -2 है तो -2 इक्वल टू 1/4 प्लस c, यानी c की वैल्यू आ गई -2 - 1/4 मतलब -9/4, रख दीजिए तो y x² इक्वल टू x4/4 - 9/4, चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं अगर मैं x² का डिवाइड कर दूं, या ऐसा 4x² y = x4 - 9। अब देख लीजिए कौन सा पॉइंट है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो अगर मैं इसमें y की वैल्यू 0 रख दूं तो ये पूरा 0, x की वैल्यू 3 रख दूं तो नहीं होगा, पर √3/4 करूं तो 9, यानी ये इसका राइट आंसर हुआ, एक सेकेंड में समझ में आ गया आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली, पॉइंट पुट कर दिया, राइट, नोट कर लीजिए क्वेश्चन।